ये वेद का ज्ञान गर्भ है जिसमें एक दिन आना और अंतिम दिन जाना और सात दिन की बच्ची, नौ दिन ज्ञान योग में पकना होता है, उसके बाद बच्चे का जन्म होता है। कहेंगे बच्चा पैदा हुआ बाप के घर में पैदा हुआ, यही कहा जाएगा। बाबा एक दिन आना और एक दिन जाना, हाँ जी, कोर्स तो 5 दिन ही चलता है ना? है? कोर्स बेसिक एडवांस का कोर्स जो है 5 दिन ही चलता है। कोर्स 5 दिन चले, एक दिन भी ना चले, भट्टी में 9 दिन ज्ञान योग की भट्टी में पकना पड़े। क्या 4 चित्रों के क्लैरिफिकेशन से कनेक्शन नहीं है? उस वायुमंडल में पकने से कनेक्शन है। और ये बोला है बट्टी से बाहर भी ना निकले, चिट्ठी पे ना लिखे, फोन भी ना करे, बिल्कुल अंतर्मुखी, बाहर का भोजन भी ना खाए, बीच में 6ठे दिन निकल गया तो गर्भपात हो गया, भट्टी कैंसिल। और बाबा है दोबारा अगर भट्टी लेगा तो एफिडेविट लिखना पड़ेगा, है दोबारा एफिडेविट लिखना पड़ेगा। अरे पहले वाला एफिडेविट जो था निश्चय पत्र, वो कैंसिल हुआ, अनिश्चय में बदला, अनिश्चय में बदलने की निशानी प्रैक्टिकल में सबको दिखाई पड़ी या नहीं पड़ी? जल्दी बोलो, दिखाई पड़ी तो मर गया ना, नहीं वो निश्चय पत्र खत्म हो गया। कोर्स में भले जाए या ना जाए, हाँ जैसे बाबा ने बताया ना, कोर्स में जाए ऊपर या ना जाए, लेकिन उसमें 9 दिन पकना पड़े, तो हमने कहा शायद वो कैंसिल ना हो। ने कहा कैंसिल ना हो, तुम्हारे कहने से लोग मान लेंगे कि तुमको निश्चय नहीं उखड़ा, उन्हें तो प्रैक्टिकल देख लिया ना कि आपने क्लास में जाना बंद कर दिया, बाबा के परिवार में आना जाना बंद कर दिया, परिवार में कभी देखे नहीं गए, बाबा की मुरली सुनना बंद कर दिया, बाप से कनेक्शन नहीं रहा। बाबा आपने बोला था कि 6ठे दिन भट्टी से बाहर निकल जाएंगे, हाँ जी 6ठे दिन निकल जाएंगे बाहर, तो मतलब वो हाँ कैंसिल हो जाएगा, हाँ कैंसिल हो जाएगा फिर, हाँ तो फिर ऐसे बाहर की चीज भी आपने बोला था, हाँ बाहर की चीज भी बाबा ने बोला था कि बाहर की चीज भी भट्टी वाले नहीं खा सकते हैं। बाहर की कोई चीज क्यों खाना चाहिए? तो मतलब खाने से क्या हो जाता है? खाने से क्या हो जाता है? अच्छा इसका मतलब आप खाते पीते हैं? मतलब ऐसा मतलब भूल चूक कोई खा सकता है? भूल चूक हाँ, आपको पता ही नहीं बाहर खाने से क्या हो जाता है, इसीलिए तो पूछ रहे। अभी पक्का कर लो कि बाहर का बना हुआ भोजन जो है वो व्यक्ति भिखारी लोग बनाते हैं, जिनकी बुद्धि में काम विकार के संकल्प चलते रहते हैं, शादी करेंगे बर्बादी करेंगे, ऐसे करेंगे वैसे करेंगे, ऑफिस से छुट्टी होगी घर जाएंगे फिर हम ऐसे करेंगे वैसे करेंगे, यही बुद्धि में चलता रहता है। उनकी जिंदगी का लक्ष्य ही नहीं है कि हम विकारी संकल्पों से परे रहें। तो जिनके वाइब्रेशन ऐसे विकारी घूम रहे हैं, उनकी आंखों से विकार के वाइब्रेशन बाहर निकलेंगे,
हथेलियों से जो स्पर्श के वाइब्रेशन है वो गंदे निकलेंगे या स्वच्छ निकलेंगे? गंदे निकलेंगे, तो उसका खाने वालों के ऊपर असर नहीं पड़ेगा। हाँ जी, तबियत खराब हो जाए तो दवा खा सकते हैं या नहीं खा सकते? दवा की बात अलग होती है, दवा थोड़ी सी होती है, भोजन तो विस्तार में होता है। और बाबा मम्मी ने बोला है कि चंद्रमा का है, मतलब जीवन तो दब माना उसमें धब्बे लगे हुए हैं ना, धब्बे से भरा हुआ है। हाँ जी, ब्रह्मा की पूजा क्यों नहीं होती है? विष्णु की और शंकर की पूजा होती है, त्रिदेवों के बीच में। ब्रह्मा की पूजा नहीं होती, मंदिर नहीं बनते, मूर्तियां नहीं बनती, कोई कारण होगा या नहीं होगा? है कारण, है कारण, यही है कि वो गीता का साकार में भगवान बन के बैठ गया, कि वो हम स्वीकार कर लिया वाणी में कि मैं ही भगवान का साकार रूप हूं। और ये सबसे बड़ा पाप है या नहीं है? कोई अपन को भगवान कहे, यानी भगवान सर्वव्यापी हो गया या आत्मा तो परमात्मा हो गया, या परमात्मा सर्वव्यापी हो गया, ये बड़े से बड़ा पाप बना या नहीं बना? बन गया, तो डब्बे लग गए। इसलिए वैज्ञानिक जब चंद्रमा पर पहुंचे हैं तो उन्होंने वहां देखे बड़े बड़े खड्डे हैं, क्या चंद्रमा का जो रूप है उसमें बड़े बड़े गहरे गहरे खड्डे हैं, उनमें पानी भी नहीं भरा हुआ है। बोलो बाबा, जैसे मुद्दे बोला है कि जगत अम्बा की नौ रूपों में पूजा होती है, एक कपाली का रूप है, जगत अम्बा की नौ रूपों में पूजा होती है। हाँ जी, एक तो काली का रूप है। हाँ जी, और रूपों के बारे में, गौरी का रूप नहीं है? अरे देवी तो एक ही है, फिर नौ कन्याओं में प्रवेश होकर के पाइप बजाती है टाइम टू टाइम, तो नौ देवियां गाई हुई है। वास्तव में है तो एक ही ओमराजे सरस्वती, वो ही असली देवी है। और जोर से बोलो, जो भी निमित बनने होती है ना, वो ओमराजे बम्मा के बराबर होती है। निमित्त बहने ओमराजे बम्मा के बराबर होती है, जैसे कुमारिका दादी ओमराजे मम्मा के बराबर हो गई, जगदम्बा हो गई। कल मैं भी इंचार्ज बनूंगी तो ओमराजे मम्मा बन जाऊंगी। बढ़िया हिसाब किताब है। इसलिए शिव बाबा उन्हें बनाते हैं ना, वहाँ पर ब्रह्मा बाबा ने उन्हें बनाया था ना कन्या माताओं के संभाल के लिए। हाँ, शिव बाबा ओमराजे को बाबा बनाए थे ना शिव। हाँ, तो यहाँ पर भी तो शिव बाबा बनाते हैं ना। हाँ, तो माना इतना ही बराबर है क्या? है प्रकाशमणि दादी को तो शिव बाबा नहीं बनाए थे? प्रकाशमणि दादी को शिव बाबा नहीं बनाते? नहीं, अरे प्रकाशमणि दादी को बनाने वाला ब्रह्मा बाबा नहीं था? मुरली में तो बोला है सभी सितारों में सबसे जास्ती खातरी किसकी होती है? कुमारिका जी, तो कौन खातरी करता था? नहीं, बाबा ने तो ये कहा था कि वो सहयोगी रहेगी। कौन? प्रकाशमणि दादी सहयोगी बनेगी। और वो तो अव्यक्त वाणी में कहा था भूत प्रेत बनने के बाद, लेकिन परमात्मा शिव जब प्रवेश करके वाणी चला रहा था उस वाणी में क्या कहा था? वो तो भगवान की वाणी थी, वेद वाणी, उस वाणी में तो कहा था इन सभी सितारों में सबसे जास्ती खातरी होती है कुमारिका की।
तो निमित्त नहीं बनाया, तो मान मरतबा उसी समय से दे दिया। और शांति माता भर्ती करने आई है और घर वाले तो सौरा जी। शांति माता कौन है? और एक युवल नहीं है मुझे राजी है। शांति माता की युवल राजी नहीं है ज्ञान में, ज्ञान में वो आने दे रहे भर्ती करने। ठीक है, तो मैं अपनी मर्जी से आई हूँ, घर वाले और सौरा जी से सही है कि गलत है? आगरा से आई हूँ। तो आपकी अपनी ताकत की बात है कि आपका अपने परिवार के अंदर कितना प्रभाव है। अगर आप सही रास्ते पर चलते हैं और आपका प्रभाव परिवार में ज्यादा है तो परिवार वाले आपका अपोजिशन नहीं कर पाएंगे। अगर आप जीवन में उनकी मुट्ठी में बंद करके हमेशा रहे और आप अभी थोड़ा विरोधी कदम उठा रहे हो परिवार वालों के, तो वो तो आपके ऊपर हावी हो जाएंगे। और मैं ऐसे बच्ची कर ही नहीं पाऊंगी, ऐसे कर ही नहीं पाऊंगी बच्ची में। तो आप जाते हैं ना, आपसे मिल पाती, मुझे बहुत शर्म लगती जब आप जाते। जब बाबा ने बांधेली माताओं को बहुत छूट दी है और उनकी बहुत महिमा की है, बोला है कि बहुत सी ऐसी बांधेली माताएं हैं जिन्होंने कब बाबा को देखा भी नहीं है और बड़े बड़े महारथी कहे जाने वालों से भी उनके अंदर बहुत निश्चय भरा पड़ा है, अकल निश्चय बुद्धि है, बाबा को बहुत याद करती है प्यार से। तो कोई जरूरी नहीं कि वो 9 दिन की भट्टी करेंगी तभी उनकी भट्टी पूरी होती है, तभी वो निश्चय बुद्धि बनती है। निश्चय बुद्धि विजय से बाप के बच्चे बनते हैं, उनकी तो रोज ही भट्टी है घर में। आपसे मिल पाते रेल नहीं, आप जाते आगरा। भगवान से मिलना मन बुद्धि से होता है या तन से होता है? भगवान को मन बुद्धि से पहचाना जाता है या तन से पहचाना जाता है? हाँ, भगवान इन आँखों से दिखाई नहीं देता। कोई घर बैठे भी माता बांधेली है, घर बैठे बैठे ज्ञान की दृष्टि से तीसरे नेत्र से भगवान बाप को पहचान सकती है और रोज की इतनी तीखी याद कर सकती है अमृत वेले कि बाबा से प्रैक्टिकल में साकार में जैसे मिलन मनाते हैं ऐसे मिलन का अनुभव भी कर सकती है। जैसे बाबा इनके परिवार वाले सब राजी थे, बच्ची भी राजी थी और बच्चा बहू भी राजी थी, और वो सब एक हो गए। उन्होंने एक बात संभाल ली, बोले कि आप जाओ और हम तैयार हैं। अगर पापा को तो वो दिल्ली में पढ़ती थी ना लड़की, तो चलो आपके वोट ज्यादा हो गए, आपके पावर है। हाँ, और उसने ये कहा था कि मैं अपने साथ पापा ले जा रही हूँ जब कराई। ठीक है, बाबा द्वार शंकर भाई आपको पास फोन किया था ना? है शंकर भाई बिहार से, तो सीता माता आई हुई है उसको माफी कराने के लिए बोले थे ना। क्या पूछ रहे हैं? हाजीपुर से शंकर भाई। शंकर भाई हाजीपुर के फोन किए थे और उनकी युगल युगल ना कुमार भाई है, संगीता माता एक बांधेलू है, एक बांधेली माता संगीता माता। हाँ। और एक है शिव शंकर भाई। शंकर भाई बताए थे आपको। हाँ। बांधेली माता हाँ भट्टी करने के लिए पूछ रही है। पूछ रहे हैं कि भट्टी करने आए हुए हैं? आ गई है। हाँ तो बता रहे बोलो, क्या बोले आप बताइए। बाबा किसी को भट्टी करवाने लेके आए हैं? भट्टी करवाने के लिए लेके आए हैं। किसको? बांधेली माता को। वो वापस ही वहीं उसी जगह पे लाइए, वहीं उसी जगह पे ले जाके सर दे क्या?
उसके बीच में गई। उड़ा ले जाएंगे क्या? फिर ससुराल कहीं दूसरी जगह जाए बीच में से, तो सही है गलत है? अभी तो आप स्थिति परिस्थिति को जाने कैसा करने से नेम के अनुसार कैसा करने से सहज रहेगा, क्योंकि आप उनको ज्यादा जानते हैं। नहीं जानते तो है, लेकिन वो आगे मेरे को बताई भी नहीं, और अब फिर जाएगी यहाँ से भट्टी करके वापस जयपुर में जाएगी, यहीं रुकेगी, वो फरुखाबाद के पास नहीं है, इसलिए मैं बहुत पूछ रही हूँ आपको भाई, ये सही है गलत वापस ले जाना चाहिए। ज्ञान तो ये कहता है कि कोई भी कन्या माता हो, उनको परिवार वालों की खास करके माता को पति की परमिशन लेकर के आना चाहिए, और कन्या को बाप की परमिशन लेकर के आना चाहिए। अगर कन्या ज्यादा पावरफुल है तो अपना 18 साल का सर्टिफिकेट लेकर के भी आ सकती है, उसे खुद लड़ाई लड़नी पड़ेगी। माता है अगर परिवार में ज्यादा हस्ती रहती है, नहीं, वो तो दबदबा है, नहीं वो नहीं है, वो तो पति अगर परमिशन नहीं भी देता है, अधेड़ उम्र की है, तो आ सकती है? आ तो गई, लेकिन इसने बताया नहीं मेरे को कि मैं उधर से ही रह जाऊंगी। अब यहाँ आके पूछी तो मैंने बताई कि ये तो आपने गलत कर लिया, पहले पूछ के लेना है, लेके आना। यहाँ तो रखा ही नहीं जाएगा बिना पति की परमिशन के, डाइवोर्स के। बच्ची करे, बच्ची करे, आपके साथ आई है, आपके साथ वापस है, या फिर जाएगी यहाँ के पास? यहाँ नहीं रह सकती, फरुखाबाद के पास में पेड़ है, पियर में रहे ना, कि चाहे जहाँ रहे पियर में रहे, हसलगढ़ में रहे। यहाँ तो मुरली में जो डायरेक्शन है, मुरली के कानून के अनुसार चलना पड़ेगा ना बाबा। कन्या ब्याह चाहिए, कुछ पूछना चाहती हूँ। हाँ जी, कोई बैठे बैठे बोलो। हाँ मेरे मम्मी पापा हैं, कोई बात नहीं। हाँ नहीं चलना चाहते, नहीं चलने देते ज्ञान में, नहीं चलने देते वो लोग मन में, मन से नहीं, वो नहीं चल रहे तो कोई बात नहीं, उनके ऊपर ज्यादा दबाव मत डालो, तुम चलते हो चलो। हैं तुम्हारी उम्र तो अभी कम है, 18 साल पूरा, 18 साल पूरी है, सर्टिफिकेट इलेक्शन वाला पहचान पत्र है, इलेक्शन वाला पहचान, वोटर कार्ड है, वोटर कार्ड में 18 साल है, तो मुकाबला कर सकती हो परिवार वालों का, तो कर लो। भाई आए हैं, भाई आए हैं, फोटो कापी है, फोटो कापी है, ओरिजिनल नहीं है, फिर वो और जब तक ये यहाँ 2-4 दिन 8 दिन रहेगी, तब तक वो ओरिजिनल को वहाँ से उड़ा देंगे। तो कोर्ट कचहरी में तो ओरिजिनल मांगेंगे बाबा, ओरिजिनल वाला है बोल रहे, ओरिजिनल है, ओरिजिनल है तो कोई बात ही नहीं, मुकाबला करो। हाँ बाबा हम लड़ सकते हैं। क्यों नहीं है? कन्याओं में तो ताकत, बाबा ने तो बोला कन्याएं तो स्वतंत्र होती है। शादी करना चाहते हैं, वो लोग इनका शादी करना चाहते हैं, ये कह सकती है कि हम तो बालिग हैं, हमारी इच्छा के बगैर कैसे शादी हो जाएगी? हम नहीं करना चाहते, बाकी जाने वालों को ये थोड़ा ध्यान रखना चाहिए कि कोई कन्या अगर बालिग है, उसके पास प्रूफ भी है, तो वहाँ की पुलिस स्टेशन में
डायरी करा के आए, उसकी नकल लेकर के आए, ठप्पा लगवा के, तो वहां की पुलिस कोई एक्शन नहीं ले सकेगी। अब बिना पूछे ऐसे ही आ जाते हैं, झगड़ा बढ़ जाता है ना। बाबा जब मेरा मन है तो दुनिया वाला क्या कर सकता है। तुम्हारा मन तो है लेकिन दुनिया तो रावण संप्रदाय की है ना। दिल्ली में एक कन्या 18 साल से ऊपर थी, अपना सर्टिफिकेट लेकर के भी आ गई। थोड़े दिन के बाद उसके घर परिवार वाले और रिश्तेदार सब आ गए पुलिस को लेकर के। पुलिस कन्या को लेकर के थाने में ले गई। आश्रम से भी 4 लोग गए। पुलिस ने कमरे में बंद कर दी कन्या। माँ बाप को उस कमरे में समझाने के बतौर अंदर रख दिया और उन्होंने खूब पिटाई की। पिटाई के डर से वो कन्या इतनी डर गई कि उन्होंने जो कुछ लिखाना चाहा तो सब लिखवा लिया, कन्या चली गई। कन्या से कहा भी गया कि तुम बाहर मत जाओ, अभी जब तक वारंट आए तब कोर्ट में दाखिल कर दिया जाएगा। ऐसे तो पुलिस कुछ भी करती है। उसने माना नहीं, हम माँ बाप को समझा लेंगे। है मिलेगा नहीं है, क्या नहीं मिलेगा? सर्टिफिकेट नहीं मिलेगा, तो पहचान पत्र तो है। भाई कौन है? तो अभी भी इससे एक एप्लीकेशन इनलाइन लेटर में लिखवा करके और वहां के थाने में रजिस्टर्ड कोर्ट से भेज दो, उसकी एक कॉपी यहाँ SSP को दे दो। लेकिन पुलिस रिसीविंग नहीं देती है, रजिस्टर्ड पोस्ट से ही भेजना पड़ेगा। यहाँ भी तुम्हारे पास प्रूफ हो जाएगा तो कोई कानूनी कार्रवाई नहीं कर सकते। नहीं साकार में जैसे ब्रह्मा और सरस्वती की आत्माएं थी ज्ञान में, सरस्वती जो है ब्रह्मा से ज्यादा थी, जो है उनकी मम्मा की बुद्धि चलती। दोनों आत्माओं शरीर छोड़ा है, दोनों आत्माओं शरीर छोड़ा। हाँ जी, उसके बाद जो ब्रह्मा की आत्मा है उसको तो एडवांस की पढ़ाई मिलती है। ब्रह्मा की आत्मा को एडवांस पढ़ाई पढ़ने मिलती है। हाँ जी, और सरस्वती की आत्मा ब्रह्म ज्ञानी तो थी, लेकिन ज्ञानी होने के बावजूद भी ब्रह्मा को कभी उसने क्रॉस किया कि भगत बन करके पीछे पीछे भागती रही, तो भगत में कहाँ से ताकत आ जाएगी। एडवांस पढ़ाई नहीं पढ़ पाई, छोटी माँ थी तो छोटी माँ में प्रवेश करके अभी वो पार्ट बजा रही। एडवांस पढ़ाई तो नहीं करती है ना। जो आत्मा जन्म जन्मांतर की पवित्र पार्ट बजाने वाली है उसको ज्ञान जल की दरकार है, है? तो क्यों आएगी? अभी लास्ट में आएगी, और जन्म जन्मांतर की प्योरिटी के संस्कारों के कारण लास्ट में आने पर भी फास्ट चली जाएगी।
इतनी फास्ट जाएगी कि अंदर वाले रह जाएंगे लगाव झुकाव के चक्कर में, और बाहर वाले ले जाएंगे। वो बाहर वाले हैं चंद्रवंशी परिवार के, अरे एडवांस वाले हैं सूर्यवंशी परिवार के, अंदर वाले ये पहले भी है कि मैं ऐसे ही हुआ था। अंदर वाले रह गए, दीदी दादी दादाएं जो सरेंडर होकर के चल रहे थे, और घरगस्त के कीचड़ में रहकर के जो ज्ञान में चल रहे थे वो ले गए बाहर वाले, ये सब यहाँ बैठे हुए हैं बाहर वाले। बेसिक में सरेंडर थे या नॉन सरेंडर, जो यहाँ बैठे हुए हैं एडवांस में वो बेसिक में सरेंडर होकर के अंदर वाले थे या बाहर वाले थे? बाहर वाले थे। उन्होंने सबने ले लिया भगवान को, भगवान के ज्ञान को, भगवान के वर्षे को, मुक्ति जीवन मुक्ति के वर्षे को, और वो अंदर वाले रह गए। ना बाप को पहचाना, ना बाप के ज्ञान को धारण कर पाया, ना मुक्ति जीवन मुक्ति को पा रहे। बाबा 1942 में श्री बाबा कौन से मकाम प्रवेश किए थे जगदम्बा की स्थिति में? क्या 1942 में श्री बाबा कौन से मकाम प्रवेश किए थे? जगदम्बा। देवियों में कौन सी ऐसी देवती देवी है जिसको तीसरा नेत्र दिखाया जाता है? महाकाली। जगदम्बा का पार्ट महाकाली का भी तो है। तो जब पीयू ने शरीर छोड़ दिया तो यज्ञ में जो मुख्य माता थी, जिसके लिए मुरली में बोला है ऐसे ऐसे बच्चे जो मम्मा बाबा को भी ड्रिल कराते थे, टीचर होकर के बैठते थे, उनमें शिव बाबा प्रवेश करते थे, उनके डायरेक्शन पर मम्मा बाबा चलते थे, तो उनमें एक तो शरीर छोड़ गया तो दूसरे में प्रवेश चालू रहा। माता को आने को पीयू की वाणी कहेंगे क्या? माता की वाणी को पीयू की वाणी, पीयू शिव बाप नहीं है। शिव बाप जो है वो पीयू नहीं है, बाप नहीं है क्या? और बाबा है आगरा से दो आत्मा और ये भर्ती करने आई हैं। हाँ जी। तो इनके युवल पहले भर्ती कर चुके हैं एडवांस की। हाँ जी। तो वो ड्यूटी जाते हैं। हैं? वो ड्यूटी जाते हैं। ठीक है। तो जो गीता पाठशाला है जो प्रकाश भाई की, ये दूर पड़ती है। हाँ। तो वो क्लास कहाँ करें और हमारी शक्ति भवन में आ नहीं सकती? तो बीसीडी नहीं ले जाते हैं इधर से? अभी आई है यहाँ से ढेर सारी बीसीडी ले जाए घर में बैठ करके, रोज आपस में दोनों माताएं और वो भाई लोग चारों मिलकर के क्लास करें। अच्छा, दोनों युवा जोड़ा कर आस पास मोहल्ले वालों को संदेश से। बाबा एक माता और आई है भर्ती करने के लिए, ये 20 साल कम उसमें चली बेसिक में। हाँ जी। अब इनको 15 दिन एडवांस का कोर्स मिल गया। हाँ। अब ये भर्ती के लिए साथ आ गई है। हाँ। तो कह रही है तो मतलब क्लास रोज कर नहीं पाएंगे, इनका थोड़ा दूर है काफी है, आगरा में दूर है इनका, तो मतलब ये घर चला सकती है अकेली है माता? गांव में अकेली है? आगरा में काफी दूर जमुना किनारे रहती है ये। किनारे रहती है तो महीने में एक संगठन होता है कि नहीं बड़ा? हाँ, उस संगठन में क्लास कर लिया। तो संगठन में जाए तो रोज भी कर पाएंगे, दूर रहती है। बंगलौर वाले तो एडवांस ज्ञान में सबसे पहले निकले थे कर्नाटक के लोग, पहले भी वो शुरुआत थे, वो पहले भी 1990 से निकले हैं, 1987 से महीने में एक बार संगठन करते थे और अभी भी महीने में एक बार ही संगठन कर रहे हैं, और उनमें पावर भरी हुई है, रेगुलर है, लेकिन
संगठन क्लास करने में। तो ईश्वरीय ज्ञान भी रेगुलर लेना चाहिए, भले महीने में एक बार जाए, पंक्चुअल लेना चाहिए, टाइम से क्लास में जाए। तो उमंग उत्साह आता रहेगा। महीने में बाबा कर सकते हैं ना संग संग क्लास। जो दूर रहते हैं वो महीने में एक बार भी करें। हमारे यहाँ आने के लिए कहती हूँ ना, तो हमारे युवक कहते हैं अच्छा वहीं रह जा, तो मैं कहती हूँ लिख के दो तो मैं रह जाऊंगी। ठीक है ना, तो फिर चुप हो जाते हैं। चुप हो जाते हैं फिर, लेकिन चुप हो जाते हैं। ब्रह्मा बाबा ने बच्चों को अपने हाथ से टोली खिलाया है, तो आज तो अंत में तो ऐसा होना चाहिए ना। ब्रह्मा बाबा जो थे वो बाबा की वाणी को प्रैक्टिकल में पकड़ पाए या नहीं पकड़ पाए? भक्ति मार्ग के बतौर पकड़ा या ज्ञान मार्ग के बतौर पकड़ा? उन्होंने बाप को ही नहीं पहचाना। बाप को पहचाना होता तो यज्ञ के आदि में विरोध नहीं होता दोनों के बीच में। यज्ञ के आदि में ही दो पार्टियां बन गई थी। तो उन्होंने जिसने बाप को ही नहीं पहचाना वो तो भक्ति मार्ग का हुआ। बाबा हम तो पहला बार बच्चे आए हैं, इसका कहाँ रहस मिलेगा? हम तो पहला बार आए हैं बच्चे में भाई, हाँ इसका कहाँ रहस मिलेगा? क्या क्या पद मिलेगा? क्या पद मिलेगा? हाँ। सन 76 से एडवांस शुरू हुआ और सन 76 में जो ज्ञान में आ गए थे एडवांस में, वो आज विरोधी बने पड़े हैं। आज तक सदगुरु निंदक और न पावन। और आप अभी लास्ट में आए हैं, जिनके लिए मुरली में बोला लास्ट में आने वाले आज चले जाएंगे सीखा पुरुषार्थ करके। तो आपका कौन सा पद बनना चाहिए? सीखा पुरुषार्थ करने वालों की लिस्ट में रहेंगे या विरोध करने वालों की लिस्ट में रहेंगे? है? अरे बोलो ना। पुरसाद करेंगे तो अच्छा ही रिजल्ट निकलेगा। हाँ जी साढ़े 10 बज रहे, कोई हिला नहीं खा रहा है।
ज्ञान मिलना है अज्ञान को कहा जाता है भक्ति मार्ग। पहले अज्ञान होता है तब ज्ञान आता है कि पहले ज्ञान होता है फिर अज्ञान आता है? पहले क्या है? पहले अज्ञान होता है, अज्ञान के बाद फिर ज्ञान आता है। ऐसे ही ब्राह्मणों की दुनिया में सब अनिश्चय बुद्धि, आज निश्चय करते हैं कल मर पड़ते हैं। आज पहचानते हैं ये हमारा बाप है और कल अनिश्चय बुद्धि हो पड़ते हैं। तो अज्ञान कहेंगे या ज्ञान कहेंगे? क्या कहेंगे? अज्ञानी। तो अज्ञान की धारा में सब बह रहे हैं, फिर अंत में निकलती हैं ज्ञान गंगाएं। और जब ज्ञान गंगाएं निकलती हैं तो सबका उद्धार होता है। कोई कहे अभी उद्धार नहीं हो रहा है? हाँ, अभी उद्धार इसलिए नहीं हो रहा है कि पुरुष जितने हैं सब दुर्योधन दुशासन है, चाहे ब्रह्मा हो चाहे शंकर हो चाहे कोई भी धर्म पिताएं हो, वो पुरुष तन है या स्त्री चोला है? क्या है? पुरुष चोला। तो पुरुष चोला जो स्वयं ही दुर्योधन दुशासन है, वो ज्ञान सुनाकर दूसरों को श्रेष्ठ बना सकता है? बना सकता है? है? अगर बना सकता होता तो अव्यक्त बाप दादा को ये नहीं कहना पड़ता कि विजय माला का आवाहन करो। कहने की जरूरत है? नहीं। क्यों? क्योंकि बाप का विरुद्ध है कि स्वर्ग का गेट किसके द्वारा खुलेगा? कन्याओं माताओं के द्वारा। कन्याएं माताएं ही भारत माता के रूप में संसार में प्रत्यक्ष होती है, जो भारत की माताएं स्वर्ग का गेट खोलने के निमित्त बनती हैं। जो विदेश की माताएं हैं भारत माताएं नहीं है। भा माने ज्ञान की रोशनी, उसमें लगी रहने वाली नहीं है, अज्ञान की बातों में रस लेने वाली है। वो नई दुनिया स्वर्ग की स्थापना नहीं कर सकती, वो नरक की ही स्थापना करती है, नरक का दरवाजा खोल करके बैठ जाती है। आओ हम भी विभिचारी बने, तुम भी विभिचारी बनो। तो दुर्योधन दुशासन तो है ही विभिचारी, और सूपनखाएं पूतनाएं जैसी स्त्रियां भी विभिचारी कर्म करने लग पड़े तो दुनिया क्या बनेगी? गड्ढे में जाएगी, ऊपर जाएगी, गड्ढे में ही जाएगी। तो इसलिए बोला ऐसी अज्ञान की दुनिया में फिर भारत की कन्याएं माताएं कोई ऐसी विशेष हैं जो निकलती हैं और ज्ञान गंगा के रूप में बाप के सर के ऊपर सवार होकर बैठती हैं। जो अच्छे प्यारे बच्चे होते हैं, सर्विसेबल बच्चे होते हैं, बाप का धंधा संभालने वाले बच्चे होते हैं, बाप प्यार में आकर उन बच्चों को सर पर चढ़ा लेते हैं। पार्वती को फिर भी गोद में बैठाया हुआ है लेकिन गंगा को सर पर चढ़ाया हुआ है। जैसे अष्टदेव सर पर चढ़ करके बैठते हैं, अष्टदेव पक्के पक्के सूर्यवंशी हैं, गंगा पक्का पक्का सूर्यवंश से निकलने वाली आत्मा नहीं है। गंगा के किनारे सन्यासी चौकड़ी मार करके बैठते हैं। गंगा का सबसे जाती मान मर्तबा सन्यासी देते हैं। हम सन्यासियों के लिए मुरली में बोला है, ये सन्यासी जब निकलेंगे तो तुम बच्चों की विजय हो जाएगी। तो सन्यासी पहले निकलेंगे या सन्यासियों की अम्मा पहले निकलेगी? कौन निकलेगा? पहले माँ की प्रत्यक्षता होगी।
और वो अंत में होगी, क्योंकि सन्यासियों के लिए बोला है ये अंत में जागेंगे। ये भारतवासी कुंभकर्ण है, दक्षिण भारत है भारत का विदेश, और उत्तर भारत है भारत का स्वदेश। भारत के सन्यासी भी गए हुए हैं। 63 जन्म जो असली पवित्रता है वो भले धारण नहीं की है, फिर भी पवित्रता की ज्यादा पावर कौन से धर्म में है? सनातन धर्म के जो देवताएं हैं वो तो सब कन्वर्ट हो गए और धर्मों में, तो उनमें तो ताकत रही नहीं, वो तो सबसे जास्ती नीचे गिर गए। फिर जो विधर्मी है, उन विधर्मियों के बीच में सबसे जास्ती मोटी जड़ है झाड़ में, कौन से धर्म की दिखाई गई है? है सन्यास धर्म। किस आधार पर? जन्म जन्मांतर की प्योरिटी उन्होंने अर्जन की है, इसलिए ज्यादा पावर है। दुनिया के बड़े से बड़े काम होते हैं पवित्रता के आधार पर। बाप आकर के प्योरिटी ही धारण कराते हैं, और धर्म पिताओं के मुकाबले सुप्रीम सोल में कौन सी ऐसी विशेषता है जो आकर के दुनिया को स्वर्ग बनाए देता है और धर्म पिताएं नरक ही बनाते रहते और उनके फॉलोअर्स भी नरक बनाते। एवर प्योर है, एवर प्योरिटी की ताकत से ही परमात्मा शिव सृष्टि पर आकर के हम एवर इम्प्योर बच्चों के द्वारा स्वर्ग की स्थापना कराते हैं। तो पवित्रता की पावर आत्मा में पुरुषार्थ पूरा होने के बाद अंत में आवेगी या पहले आवेगी? है अंत में आवेगी, पूरी घी में डाली जाती है, जब तक पूरी न पक जावे तब तक ऊपर नहीं आती है। ऐसे ही ये पुरुषार्थ की गति है। 63 जन्मों के पाप कर्मों का बोझ सिर पर चढ़ा हुआ है। याद की ताकत से जब ये पाप कर्म नष्ट होंगे, भस्म होंगे, तब अंत में जाकर के आत्मा पवित्र बनेगी, और आत्माएं जब पवित्र बनेंगी तब ज्ञान को सही रीति धारण करेंगी और बाप को पक्का 100% निश्चय बुद्धि होकर के पहचानेंगी, और वो पहचान ही उनको अमर बना देगी। अभी तो मृत्यु लोक चल रहा है या अमर लोक चल रहा है? कौन सा लोक है? हैं? मृत्यु लोक है। घड़ी घड़ी मरना और घड़ी घड़ी जीना हो रहा है। अभी अभी ज्ञान में जन्म लेते हैं, एडवांस में जन्म लेते हैं, निश्चय पत्र लिखते हैं, स्टाम्प पेपर पर लिख करके देते हैं, और घर जाकर के अपवित्र हो पड़ते हैं, उल्टी पलटी बातें करने लग पड़ते हैं, क्लास करना छोड़ देते हैं, मुरली पढ़ना छोड़ देते हैं। तो निश्चय बुद्धि कहें या अनिश्चय बुद्धि? अनिश्चय बुद्धि। इसलिए बोला कि ज्ञान गंगाएं निकली हैं अंत में। ये सन्यासी बाद में जागेंगे। और जो ज्ञान देने माला की मंडी तो उनका ज्ञान कोई काम नहीं आएगा? मकान को बनाने वाले इंजीनियर होते हैं, उनके पास नक्शा बनाने की नॉलेज होती है, उनका ज्ञान कोई काम नहीं आता है। तो हाँ, तो जो
ज्ञान उनका तब ही काम आता है जब मजदूर निकलते हैं। काम करने वाले प्रैक्टिकल जीवन में अगर मजदूर न निकले तो उनकी प्लानिंग, उनका बनाया हुआ नक्शा सारा धरा रह जाएगा। ऐसे ये रुद्रमाला के मणके हैं, ये रुद्रमाला प्योरिटी की लंगड़ी है, पवित्रता की एक टांग इनकी टूटी हुई है। क्या ये सब पुरुष वृत्ति के हैं या कन्याओं माताओं की वृत्ति के हैं? है? पुरुष वृत्ति के पुरुष है दुर्योधन दुशासन है या भारत माताओं के स्वरूप के हैं? है? सब दुर्योधन दुशासन है। ये जन्म जन्मांतर के वो भारत के राजाएं हैं जिन्होंने इम्प्योरिटी इतनी भोगी है, ढेर की ढेर रानियां रख करके के आपस में लड़ते ही झगड़ते रहे हैं। यहाँ प्योरिटी होगी वहां संगठन होगा या संगठन टूटेगा? है, संगठन बनेगा, यूनिटी बनेगी। और भारत की राजाओं की यूनिटी टूटती रही है या परिपक्व रही है? टूटती रही। क्यों? क्योंकि इनमें इम्प्योरिटी भरी रही जन्म जन्मांतर की। वो ही भारत के राजा हैं अभी रुद्रमाला में इकट्ठे हुए पड़े हैं। इम्प्योरिटी के वाइब्रेशन के कारण एक दूसरे से बात करना भी पसंद नहीं करते, मिलना जुलना भी पसंद नहीं करते। ये तो बाप के ज्ञान का धागा है, जिस ज्ञान के सूत्र में कोई न कोई तरीके से येन केन प्रकारण संगठन इधर उधर दिखाई देता है। नहीं तो कितनी गीता पाठशालाएं हैं जहां रोज क्लास में स्टूडेंट पहुंच रहे हैं, दिखाई पड़ती है? मध्य प्रदेश के इस एरिया में कोई ऐसी गीता पाठशाला दिखाई पड़ती है जहां पांच पांडव, छठी द्रौपदी और कुंती इकट्ठे होकर के क्लास करते हो डेली, कि सारे ही सातवें दिन जुम्मा जुम्मा और संडे के दिन मुसलमान और क्रिश्चियन बन पड़े? यूनिटी है ही नहीं। और पहाड़ों पर, पहाड़ माने क्या? पहाड़ माने ऊंचाई। सिर्फ देवियों की मूर्ति ही ऊपर स्थापन करते हैं या शिव को भी ऊंची स्टेज में दिखाते हैं? है, शिव के भी मंदिर ऊंची स्टेज में बनाते हैं। शिव के लिए तो स्थान प्रसिद्ध है कैलाशवासी। क्या हिमालय पहाड़ सबसे ऊंचा माना जाता है और उसमें कौन सा स्थान का वासी? कैलाशी। तो शिव और शिव का साथ देने वाली शक्तियां साथी हैं तो ऊंची स्टेज पर विराजमान होनी चाहिए या नीची स्टेज वाली होंगी? हैं, ऊंची स्टेज वाली है। शिव काम करता है ऊंचे से ऊंचा, शंकर में आकर के ऊंचे से ऊंचा काम करता है, ब्रह्मा के द्वारा नहीं, विष्णु के द्वारा नहीं। ब्रह्मा देवताए नमः, विष्णु देवताए नमः, शंकर देवता कहा जाता है, परंतु जब परमात्मा स्टेज को प्राप्त करता है तो शिव परमात्मा ही नमः कहा जाता है। तो शिव शंकर मिला करके एक हो जाते हैं। जब शिव ऊंची स्टेज पर, तो शिव का साथ देने वाली शक्तियां भी ऊंची स्टेज पर रह करके शंकर का कार्य संपन्न करती है। शंकर का कार्य है महाविनाश,
दुनिया के कोई भी बड़े से बड़े धर्म पिता है, महात्मा है, धर्मात्मा है, ये विनाश का कार्य नहीं कर सके। वो विनाश का कार्य शक्तियां संपन्न करती हैं। तो साथी बनती है तब संपन्न करती है, या विरोधी बनती है तब संपन्न करती है, साथी बनती है। इसलिए उनके मंदिर भी ऊंची स्टेज में दिखाई जाते हैं। और कहते हैं कि जितने भी दुनिया में सरोवर हैं, तालाब हैं, उन सब तालाबों में सबसे ऊंचा स्थान कौन से तालाब का है? मानसरोवर पहाड़ के ऊपर है, और तालाबों का जल रुका हुआ होने के कारण दूषित हो जाता है। और मानसरोवर एक ऐसा तालाब है जिसका जल रुका हुआ नहीं है, पहाड़ों से पानी इकट्ठा होता है और नदियों के द्वारा, ब्रह्मपुत्र जैसी नदियों के द्वारा बहता रहता है। और पानी इतना निर्मल है कि सैकड़ों फुट नीचे गहराई से भी वो पत्थर देखे जाते हैं, इतना निर्मल जल है। वो यादगार है ज्ञानमान सरोवर की, प्रजापिता की, जिस प्रजापिता में वो सुप्रीम सोल शिव प्रवेश करता है। उस ज्ञानमान सरोवर के आस पास बैठे हुए हंस दिखाए जाते हैं। हंसों की ये विशेषता होती है कि वो रत्न ग्रहण करते हैं, कंकड़ ग्रहण नहीं करते। कहाँ की बातें हैं? अभी ब्राह्मणों की संगम भी दुनिया में एडवांस में ही ऐसे हंस हैं जो ज्ञान रतन चुंगने में अपनी बुद्धि लगाते हैं। दुनियावी जो कंकड़ हैं उनको इकट्ठा करने में बुद्धि नहीं लगाते। तो जो बेहद का चैतन्य ज्ञान मान सरोवर है वहां लोग नहीं जाते हैं? है? जाते हैं? नहीं जाते हैं? जाते हैं कि नहीं? आप क्यों आते हैं? आते हैं कि नहीं आते हैं? आते हैं तो कहाँ की यादगार है? वो वहां स्थूल यादगारें बनाई हुई है। असली बात कहाँ की है? असली बात यहाँ की है। और कहते हैं कि बाबा ने बोला है उपन्यास पढ़ने और फिल्म देखने से आत्मा का सबसे जास्ती पतन होता है। ये नहीं कहा कि विकारों में जाने से जास्ती पतन होता है, ये नहीं कहा कि विविचार में जाने से जास्ती पतन होता है। विविचार में तो राजा ने भारत के जाते ही रहे, अनेकों रानियां रख रखी, उतना पतन नहीं हुआ। लेकिन ये उपन्यास जो है वो अंतिम जन्म में निकलते हैं, जब माया का कॉम्पेंट शो दुनिया में बहुत बढ़ जाता है। तो उपन्यास पढ़ करके और फिल्में देख करके बुद्धि का सबसे जास्ती पतन होता है। बुद्धि का पतन होता है, मनसा का पतन होता है, तो शीघ्र पतन भी होता है, स्वप्न दोष भी होता है। और स्वप्न दोष के कारण तन की शक्ति, मन की शक्ति सबसे जास्ती क्यों होती है? तो पतित कहेंगे या पावन कहेंगे, क्या कहेंगे? पतित है। इसको ज्ञान, ये ज्ञान से आने के पहले की स्टेज है या ज्ञान में आने के बाद की स्टेज है?
जो उपन्यास पढ़ना, फिल्में देखना, ये लौकिक दुनिया की स्टेज है या ज्ञान में आने के बाद अलौकिक दुनिया की स्टेज है? अरे अलौकिक दुनिया की स्टेज बताइए, वो पुरुषार्थी जीवन की टॉप मोस्ट स्टेज है जहाँ शिव और शंकर मिलकर के एक स्वभाव संस्कार के निराकारी निर्विकारी निरहंकारी बन जाते हैं, वो है अमोघ भूरी की स्टेज। और वो है 25 से 25 कामी काटे की स्टेज की स्मृति में याद करने से ही शीघ्र पतन होता है, स्वप्न दोष होने लगता है, रात्रि में ही नहीं दिन में जागते जागते भी स्वप्न दोष होता है, तो कितना पतन हो जाता है बुद्धि का। उसके पतित कहेंगे, पावन कहेंगे। एक वो सन्यासी है जो घर गच्छ के कीचड़ में रह करके पतित अपने को अनुभव करते हैं कि हम पतित हो गए। एक शिव बेहद का सन्यासी है शंकर में प्रवेश करके कि सारी दुनिया के बाल बच्चे उसके साथ रहते हैं, साथ सोते हैं, साथ खाते हैं, फिर भी पतन नहीं होता, तो अंतर नहीं हुआ। बुद्धि का ये अंतर देखने में आता है। और तीन प्रकार का कुछ बताया गया है, दृष्टि इंद्रियों का, दृष्टि इंद्रियों का है हरी, तो दृष्टि इंद्रियों का सुख, दृष्टि इंद्रियों का सुख उससे तो कठिन होती है। दृष्टि इंद्रियों का जो सुख है धीमी गति, उसमें शक्ति धीमी गति से पतित होती है, अतीन्द्रिय सुख माने अति अतीत, अतीत माने परे, उसमें इंद्रियों का जैसे काम ही नहीं, इसलिए काम नहीं। जैसे को कोई कारखाने में जा रहा है अपनी महबूबा को याद करते हुए जा रहा है, आंखें खुली हुई है, रास्ता देखता हुआ जा रहा है, कोई उससे पूछता है तुम्हारे सामने से कितने लोग गुजर गए, फिर वो कहता हमें किसी की याद नहीं, हमने किसी को नहीं देखा, किसको देख रहा था, अपनी महबूबा को देख रहा। तो मन जहाँ लगा हुआ होता है वहाँ आंख की इंद्रिय काम नहीं करती, मन प्रधान है। ऐसे ही अतीन्द्रिय सुख की बात है, चाहे भ्रष्ट इंद्रियां हो चाहे श्रेष्ठ इंद्रियां हो, अगर वो इंद्रियां अपने भोग में व्रत है प्रवृत्त है रुकी लगी हुई है, फिर भी मन उनका साथ नहीं दे रहा है, तो क्या कहा जाएगा? वो बांधेली माताएं हैं जिनका मन विकारों से उचट गया, भगवान में लगा हुआ है, अपने को मुर्दा बनाने में प्रैक्टिस हो चुकी है, उनको पवित्र कहेंगे या अपवित्र कहेंगे? क्या कहेंगे? अपवित्र कहेंगे। अपवित्र है तो बच्चे की पैदाइश होगी, क्योंकि मन लगा हुआ है, और जब मन लगाए हुआ नहीं है तो छिड़ता होगी नहीं, छिड़ता होगी नहीं तो बच्चे की पैदाइश भी नहीं होगी, इसे कहेंगे अतीन्द्रिय सुख। अतीन्द्रिय सुख के बारे में बोला है कि ये सेकंड भी अगर अतीन्द्रिय सुख अनुभव में आ गया तो फिर खत्म होने वाला नहीं है, 2500 वर्ष तक चलेगा। हाँ जी, 2500 साल तक अतीन्द्रिय सुख नहीं चलता, वो सिर्फ 2500 साल की शूटिंग होती है। 2500 साल तक अगर अतीन्द्रिय सुख चले तो फिर पतन क्यों हो? सत्य त्रेता में पतन होता है या नहीं होता है? होता है। आत्मा की ग्रेड कम होती है, कलाएं गिरती हैं, लेकिन जब अतीन्द्रिय सुख संगम युग में होता है तो आत्मा की ग्रेड नीचे गिरती है या ऊपर उठती है, ऊंची जाती है। हाँ जी, बांग्लादेश और पाकिस्तान शामिल थे, क्या वो भी स्वर्ग
उस सड़क का मॉडल बनाता है, मॉडल जड़ होता है, चैतन्य नहीं होता है, चैतन्य स्वर्ग नहीं बनाता, मॉडल बनाता है। कराची में सड़क का मॉडल तैयार हुआ, स्वर्ग तैयार नहीं हुआ। ऐसा मॉडल था जहाँ हिंदुस्तान पाकिस्तान के बीच खून की नदियां बह रही थी और वहाँ शांति और सुख लगा हुआ पड़ा था। वहाँ कराची में उस बंगले में जो रह रहे थे उनके ऊपर कोई आंच नहीं आई। वो सड़क का मॉडल था, सदा काल का नहीं था, एक छोटा सा नजारा दिखाया। और अभी अभी ऐसा स्वर्ग बनने वाला है भारत के अंदर ही, जो 2500 साल तक बरकरार रहेगा, नष्ट नहीं होगा। ऐसी मानसिक स्टेट बन जाएगी।